नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। स्मॉल कैप में हमेशा पैसे लगाते हुए एक ही बात ध्यान देनी है, फंड साइज चेक करने होते हैं हमें। क्या होता है कि कोई भी स्मॉल कैप हो, आज हम दो स्मॉल कैप देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन सा स्मॉल कैप बेस्ट है और कौन सा नहीं है। आप जिस भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, उस फंड में हमेशा फंड साइज चेक करना है। 5,000 करोड़ से ऊपर का फंड हो तो ही आपने पैसा लगाना है। मैं हर वीडियो में ये बात अपनी जरूर बताता हूँ, ताकि उससे क्या होता है कि आपने जो पैसा लगाया वो सुरक्षित जगह लगेगा। अगर हम देखें, इसका नाम बताता हूँ आपको, SBI स्मॉल कैप फंड और निपोन इंडिया स्मॉल कैप, दोनों ही अपनी जगह बेस्ट हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों ही मैनेजमेंट बहुत तगड़ी है इनकी, क्योंकि इन्होंने जहाँ पे पैसा लगा रखा है ना, वो बहुत तगड़ा सिस्टम है, तगड़ी कंपनी है इनके पास में। क्या होता है कि जब जो मैनेजमेंट है ना, सारा निर्भर उसी पे होता है कि किसी भी चीज़ के लेके चलो आप, मान लो कोई हॉस्पिटल चला रहा है, अगर उसकी मैनेजमेंट अच्छी है तो हॉस्पिटल वो ज़बरदस्त चलेगा, क्योंकि उनकी सोच के ऊपर ही वो हॉस्पिटल पूरा ग्रो करता है। वैसे ही SBI स्मॉल कैप और निपोन इंडिया, इनकी जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर ही ये इतना रिटर्न बढ़िया निकाल के देते हैं, ना कि किसी भी म्यूचुअल फंड को हमने ले लिया और वो अब कुछ ग्रो ही नहीं करेगा तो उसका म्यूचुअल फंड नीचे की तरफ चला जाएगा। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। NAV इसका 145 रुपये है, निपोन इंडिया का 127 रुपये है। रेटिंग की बात करें 3 स्टार मिले हुए हैं और निपोन को 4 स्टार मिले हैं। फंड साइज की बात करें 18,624 करोड़। सबसे बड़ी बात, मैंने यही बात वीडियो में स्टार्ट करते हुए बोली थी कि 5,000 करोड़ से ऊपर का अगर फंड हो तो आपने पैसा लगाना है, अदरवाइज आपने नहीं लगाना पैसा। अगर हम निपोन का देखें तो 31,945 करोड़ रुपये लोगों लगा रखे हैं। कई कहते हैं सर मैंने तो 5,000 रुपये लगा दिए, अब मेरे पैसे क्या होगा। कभी भी याद रखिए, घबराना नहीं है, कंटिन्यू SIP करते रहिए। समय अच्छा आए या बुरा आए, आपने SIP स्टार्ट रखना है। मार्केट को देखते रहो, अगर मार्केट ज़्यादा लोगों की तरफ है तो लमसम में पैसा लगा सकते हो, अदरवाइज आपने पैसे कंटिन्यू SIP स्टार्ट रखनी है, सेविंग स्टार्ट रखनी है, सेविंग की आदत कंटिन्यू रखनी है। उससे क्या होगा कि हमारा जो फंड है वो काफ़ी बड़ा बन जाएगा टाइम के साथ। अगर हम होल्डिंग की बात करें, 54 कंपनियां इनके पास में, 165, इसमें भी आगे, इसमें भी आगे हैं और इसमें भी आगे हैं। अगर हम आर रिटर्न की बात करें तो 25.75 है, 25.99 है, यहाँ पे भी आगे हैं कुछ पॉइंट। 5 ईयर की बात करें तो 20.31 है, यहाँ पे 22.97 है। 3 ईयर की बात करें 37.9 है, ये 47.39 है, तो यहाँ पे भी निपोन आगे की तरफ है। हमेशा याद रखिए, कभी भी हमें फंड में पैसा लगाना है, उस फंड को जाके आप ग्रो ऐप पे चेक कर सकते हो कि क्या वाकई में 5 साल से पहले जो ये रिटर्न दे रहा है ये वाकई में सही दे रहा है। कभी भी किसी फंड का पैसे लगाने से पहले उसको कम से कम मार्केट में 5 साल होना जरूरी है, तभी हम उसमें पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है उससे हमें एनालाइज हो जाता है कि ये वाकई में ही काम ठीक से कर रहे हैं। मैं आज आप लोगों को 100 रुपये की SIP बताता हूँ, 100 रुपये की डेली, मंथली ये बनेगी 3,000 रुपये की। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, किसी भी डेट को आप चुन सकते हो। हम 15% रिटर्न मान के चलते हैं, 25 बोलते हैं, 25 तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम, मैंने भी स्टार्ट किया था जब मेरे को भी लगता था कि यार क्या ये इतना बड़ा पैसा दे देंगे क्या, हमें इतना सारा पैसा बनेगा क्या, उससे 25% अगर रिटर्न लगाते हैं तो इतना पैसा निकल के आता है कि समझ में नहीं आता। मैंने एक बंदे को भेज दिया, मैथ का सर थे वो, उनका मेरे पास क्वेश्चन आया कि सर आप किस प्रकार रिटर्न निकाल के देते हो, इतना रिटर्न कौन देता है। तो मैंने उनको यही कहा कि सर आप कैलकुलेशन मार के देखिए, कैलकुलेशन में है, मैंने खुद पे नहीं बना रखा, मैंने भी SIP कैलकुलेटर ले रखा है, उस पर अगर मैं डालता हूँ तो रिटर्न इतना ही निकल के आता है। अब आप देखिए, बोला ये तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम देखते हैं 100 रुपये की SIP 3,000 रुपये मंथली, 15% कर देते हैं, 30 साल के अंदर में हमने लगाए 10,80,000 रुपये, हमें मिलेंगे 2,10,29,462 रुपये। इतना पैसा कब मिलेगा हमें, सबसे बड़ी बात है इतना पैसा, क्योंकि हमें क्या करना है, कंटिन्यू SIP करते रहना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं SIP के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।